नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी और उधम सिंह नगर के बीच में पड़ने वाले जंगल में फॉरेस्ट टीम और साथ ही वन तस्करों के बीच में शुक्रवार को मुठभेड़ हो गई। तराई केंद्रीय डिवीजन की पीपल पड़ाव रेंज में फॉरेस्ट टीम को वन तस्करों की मौजूदगी में खबर लगी। फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची और फॉरेस्ट टीम को अपने करीब देखकर तस्करों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। हालांकि फॉरेस्ट टीम ने भी जवाबी फायरिंग की और इस दौरान तस्कर तो फरार हो गए लेकिन तीन वन कर्मी घायल हो गए, जिसमें रेंजर रूप नारायण गौतम और साथ ही दो फॉरेस्ट गार्ड शामिल है। तीनों घायलों को रुद्रपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। संख्या 112-13 है उसकी। फायर लाइन पर वो लोग बैठे हुए थे, जैसे ही हमें देखा तो वो लोग खड़े हो गए और सीधे फायर करने लगे। हमारे द्वारा ही मौके फायर किए गए। जब उनको लगा कि हम घिर जाएंगे तो उन्होंने फिर सीधे फायर मारना शुरू किया, जिससे हम लोग को छर्रे लगे। मौके से एक बाइक मिली है, दो आरे मिले हैं, एक सागौन का पेड़ है जो आधा कटा हुआ है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे पीलीभीत के लोगों ने जमकर हंगामा किया और हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। पुलिस ने आकर मामले को शांत कराया। हालांकि इससे पहले काफी देर तक हंगामा होता रहा। असल में जागेश्वर में शाम की आरती के बाद में कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकता है, लेकिन पीलीभीत से पहुंची पांच महिलाएं भगवान के दर्शन करने की जिद करने लगी और इस पर अड़ गई। पुजारियों और व्यापारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी और उस पर ही हंगामा हुआ। बाद में पुलिस ने मामले को शांत कराया। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर महिला गेस्ट टीचर्स के लिए बड़ी खबर है। अब मिल सकेगी 6 महीने की मैटरनिटी लीव। शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। कैबिनेट के फैसले के बाद में आदेश जारी किया गया तो अब प्रेग्नेंट महिलाओं को मैटरनिटी लीव 6 महीने की मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया था, जिसके बाद में शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निकाय चुनाव की तारीखें लगभग तय कर दी हैं और नैनीताल हाईकोर्ट में दिए जवाब में सरकार ने संभावित तारीखें बता दी हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया 25 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। उत्तराखंड में लगातार टलते जा रहे निकाय चुनाव पर आखिरकार फाइनल डेट आ गई है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश किया है और 25 दिसंबर तक निकायों के चुनाव कराने का दावा किया है। साथ ही 30 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर तैयार करने की भी बात कही है। हाई कोर्ट में दाखिल चुनावी कार्यक्रम में 10 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ 25 दिसंबर तक चुनाव खत्म करने का दावा सरकार ने किया है, जिसके बाद कोर्ट ने सभी जनहित याचिकाओं को बंद कर दिया। उन्होंने जो समय सूची दी है उसके अनुसार 25 दिसंबर तक पूरी पालिकाओं के निर्वाचन करा दिए जाए और आयोग की ओर से माननीय न्यायालय को बताया गया कि पुनरीक्षण का कार्य तत्काल प्रारंभ कर दिया गया है और अगर राज्य सरकार रिजर्वेशन का काम भी पूरा कर दे तो हम राज्य सरकार के इस कार्यक्रम के अनुसार इलेक्शन करवा देंगे। दरअसल सरकार ने चौथी बार चुनाव कराने की बात कोर्ट में कही है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अभी भी कम ही यकीन है। 2 दिसंबर 2023 के बाद प्रशासकों के हवाले निकाय है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि चुनाव ना करा पाना सरकार का फेल्योर है। हालांकि याचिकाकर्ता अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। हमारा ये कहना है कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का ये बेनिफिट नहीं दिया है इन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट फेल कर गया है, तो लिहाजा हमारा कहना ये था कि कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। अब ये निश्चित रूप से संवैधानिक संकट है, तो ऐसी स्थिति में तो हमारे पास और कोई रास्ता बचता भी नहीं है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाने के अलावा। बहरहाल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिकाओं को बंद कर दिया है और सरकार को ही चुनाव कराने की छूट दे दी है। अब सरकार ने 25 दिसंबर तक चुनाव कराने का दावा किया है, लेकिन अगर इन तारीखों तक चुनाव नहीं कराए गए तो सरकार को कोर्ट की अवमानना भी झेलनी पड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस वामपंथी नेताओं को राष्ट्रभक्ति से जुड़ने के लिए आरएसएस की शाखा में आना चाहिए। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की शाखाओं में हिस्सा लेने पर जो प्रतिबंध लगा दिया था उसे हटा दिया है। इसके बाद से ही विपक्ष हमलावर है।
नहीं, विपक्ष तो हर विषय में सवाल खड़ा करता है, मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि क्योंकि राष्ट्रवादी सोच से जुड़ने के लिए कांग्रेस के लोगों को वामपंथी लोगों को शाखा में जरूर आना चाहिए। धर्म से क्या विषय है, धर्म के लोग तो सब लोग आएंगे, हर धर्म के लोग आएंगे, इनको राष्ट्रवादी बनना होगा, संघ की शाखा में आएगा। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस शाखा में जाने की अनुमति पर कहा कि सरकार को इस तरह के मापदंड बनाने चाहिए कि कल कोई दूसरा संगठन इसका दुरुपयोग ना कर ले। हरीश रावत ने बांग्लादेश के जमायत इस्लामी का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले की सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब की सरकार ने उस पर प्रतिबंध हटा दिया है। अब बांग्लादेश के अंदर जमायत इस्लामी एक ऐसा संगठन है जो भारत विरोधी गतिविधियां करता है, क्योंकि वहां की सरकार ने, पहले की सरकार ने प्रतिबंध लगाया था, आज की सरकार उसकी गोद में बैठ गई है, हम भारत में चिंतित हैं। तो कभी भी आप यदि एक मापदंड बनाएंगे तो वो मापदंड सबके लिए लागू करना पड़ता है। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने हल्द्वानी में एक विवादित बयान दिया। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में बोलते हुए रणजीत रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी के काम ही नहीं हो रहे हैं, ऐसे में जनता के काम क्या हो रहे होंगे पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं की हालत ऐसी हो गई है जैसे वो बीमार हो, ना तो बीजेपी कार्यकर्ता अपना दर्द किसी को बयां कर पा रहे हैं और ना ही सहन कर पा रहे हैं। सारे ठेकेदार जो हैं गुजरात से आ गए हैं, लेबर से लेके सप्लायर से लेके ठेकेदार तक, तो भाजपा के लोग भी अपने को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और मैंने कहा कि उनको बवासीर की बीमारी हो गई है, बवासीर जब किसी को होती है तो चुपचाप डॉक्टर को तो दिखाता है, लेकिन आसपास में सोसाइटी में किसी को बताता नहीं है कि मुझे बवासीर हो गई है। तो इस तरह की हालत भाजपा वालों की है, दर्द भी है लेकिन बता भी नहीं सकते। देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी तेजी के साथ में बदल रही है, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि 2011 की जनगणना से लेकर वोटर लिस्ट के ताजा आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। देहरादून के पछुआदून इलाके में तो करीब 28 गांवों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। वही कारण है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कई मौकों पर इसको लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर्वतों पर देवता वास करते हैं, जहां की घाटियां भी देवी देवताओं का घर है, जहां पवित्र चार धाम यात्रा भारत में सबसे लोकप्रिय हिंदू तीर्थ यात्राओं में से एक है, उस देवभूमि का डेमोग्राफी तेजी से बदल रहा है। देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। अब उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर मुख्यमंत्री धामी ने भी चिंता जाहिर की है और साफ कर दिया है कि इस प्रकार के डेमोग्राफिक चेंज को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको लेकर हम प्रतिबद्ध भी हैं, हमारा संकल्प है। इसीलिए हम यहाँ पर डेमोग्राफिक जो चेंज की लगातार आप सब लोगों के द्वारा भी अन्य माध्यमों से भी पता होता है, उस पर वेरिफिकेशन ड्राइव चलेगी और पुलिस और हमारा गृह मंत्रालय इस पर संयुक्त रूप से काम करेगा। उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। हिंदू बाहुल्य 28 गांव मुस्लिम बाहुल्य हो गए। सहसपुर के एक बूथ पर 1155 वोटर में 905 मुस्लिम हैं। सहसपुर के दूसरे बूथ पर 1000 में 795 मुस्लिम वोटर। 70 में 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर्स हैं। कुछ विधानसभाओं में 30% तक मुस्लिम आबादी पहुंच चुकी है। देवभूमि के ये आंकड़े यूं ही नहीं बदल गए बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। चार जिलों की बात करूंगा, मैदानी जिलों की जो यूपी से जुड़े हुए हैं, उधम सिंह नगर है, देहरादून है, हरिद्वार है और नैनीताल जिले हैं। इन चार जिलों में मुस्लिम पॉपुलेशन अगर आप आंकड़े देखेंगे 2011 के बाद से एक एक तेजी से बढ़ा है। इन चारों जिलों में 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो चुकी है, ये वोटर लिस्ट भी कहती है और जनसंख्या के आंकड़े भी कहते हैं। हमने उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये एक तस्वीर सामने रखी है कि जो हरिद्वार है, हरिद्वार में मुस्लिम पॉपुलेशन कुंभ क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर 35 से 36% है। ये एक
सामरिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा स्टेट बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है क्योंकि हम चाइना से घिरे हुए हैं, उधर से नेपाल से घिरे हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं। और जहां तक डेमोग्राफी की बात है, यस उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो सनातन का मुकुट है और सनातन यहां से सनातन के रक्षा के लिए यहां की जो आपकी जो इकोलॉजी है, यहां का जो पर्यावरण है, उसकी सबसे पहले रक्षा होनी चाहिए। जिस तरह उत्तराखंड में लव जिहाद और लैंड जिहाद की खबरें सामने आई, मस्जिद मदरसे मजार बिना सरकारी परमिशन के अवैध रूप से बनाए गए और खास मकसद से खास वर्गों की घुसपैठ कराई गई, वो देवभूमि के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार में एचआरडीए द्वारा बनाए जा रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम का शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि एक ही छत के नीचे सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। भारत की टीम जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी एक भावना है खेलो इंडिया। उसी कंसेप्ट को हमने अपने उत्तराखंड में करने का प्रयास किया है और मैं कह सकता हूँ कि एचआरडीए जो हमारा आवास विभाग का एक अंग है, उसके द्वारा यहाँ पे मुझे तो कहते हुए खुशी हो रही है कि बहुत ही बढ़िया और एक ही छत के नीचे सारे जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है यहाँ पे हो सकेंगी। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। हरिद्वार के जगजीतपुर स्थित पायलट बाबा आश्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और साथ ही जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हरि गिरी महाराज समेत तमाम साधु संतों ने पायलट बाबा को श्रद्धांजलि दी। देहरादून के रानी पोखरी इलाके में एक ज्वेलरी की दुकान पर चोरी के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक मुजफ्फरनगर का सुनार भी शामिल है। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो कि उत्तर प्रदेश के शाजापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ही दुकान से ज्वेलरी की चोरी करके मुजफ्फरनगर के दूसरे सुनार को बेचे थे। शुक्रवार को आईजी अरुण मोहन जोशी ने डायरेक्टर ट्रैफिक का चार्ज संभाला और इसके साथ ही उन्हें चारधाम यात्रा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अरुण मोहन जोशी ने कहा कि ट्रैफिक की जहां भी दिक्कतें हैं उसे दिखाया जाएगा कि ट्रैफिक जाम की वजह क्या है। इसके बाद में शॉर्ट टर्म और साथ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम किया जाएगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार नैनीताल केंची धाम रूट पर ट्रैफिक जाम आम बात है और टूरिस्ट सीजन और साथ ही वीकेंड पर ये दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसमें जो है स्टेट में जहाँ पर भी ट्रैफिक इश्यूज हैं, मेनली हम लोगों का काम रहता है वहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का, लॉजिस्टिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और मैन पावर के रूप में भी। अब इसमें जहाँ जहाँ पर भी जो भी इश्यूज आ रहे हैं इसमें सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक इश्यूज हैं वो कंपाइल कर लें। अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला शुरू हो गया है। एक हफ्ते तक चलने वाले मेले की शुरुआत एपण और मेहंदी प्रतियोगिता से हुई। नंदा देवी में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पहाड़ में कुल देवी के रूप में मां नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालु जनता से निवेदन है कि 6 तारीख से 13 तारीख तक जो मेला यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, 13 को इसकी शोभा यात्रा है, आप लोग आशीर्वाद लेने मैया के मंदिर में जरूर आएँ और यहाँ पर शांति और सौहार्द बनाने के लिए मंदिर समिति और मेला समिति को सहयोग करें। रामनगर में इन दिनों कुछ स्टूडेंट्स शहर का मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। ये मास्टर प्लान पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। दरअसल ये स्टूडेंट्स सुशांत यूनिवर्सिटी गुड़गांव के हैं जो यहां का मास्टर प्लान इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अगले 20 साल तक इनको दोबारा बनाने की जरूरत ना पड़े। इसमें प्रशासन भी उन्हें सहयोग कर रहा है क्योंकि शहर का प्लान कई साल पुराना हो चला है। ऐसे में बढ़ती आबादी का दबाव यहाँ पर बढ़ रहा है।
20 बच्चों की टीम है मास्टर्स इन प्लानिंग की, एंड हम लोग यहाँ पे रामनगर में हैं अभी, एंड हम लोग मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं रामनगर के लिए, जिसमें कि डेवलपमेंट प्लान बनेगा। मास्टर प्लानिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा अपने रिसर्च के लिए यहाँ पे रामनगर में सर्वे किया जा रहा है। इसमें बेसिकली रामनगर शहर का जो पुराना मास्टर प्लान है वर्तमान में उसमें क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं, इसके संबंध में उनके द्वारा रिसर्च पेपर तैयार किया जा रहा है, जिस संबंध में उनके द्वारा हमारे साथ बैठक की गई थी, हमारे द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए, और लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात के कई फ्रंटल के अध्यक्षों की बैठक ली और अनुशासन के मामले में फ्रंटल अध्यक्षों की राय जानी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक की शुरुआत हो गई है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअली ब्लड बैंक का लोकार्पण किया। बागेश्वर पुलिस ने काफली गैर स्कूल में छात्र छात्राओं के साथ में जन जागरूकता अभियान चलाया, बाल अपराध घरेलू हिंसा और साइबर क्राइम आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। रुड़की के सिविल अस्पताल में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे कि अस्पताल प्रशासन की चिंतित है। नैनीताल में नंदा महोत्सव की तैयारी जोरों पर चल रही, जिला प्रशासन के द्वारा तोरण द्वार के साथ ही शहर को सजाने का काम भी जारी है। ऋषिकेश में भद्रकाली की तरफ मोड़ पर एक सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया, ड्राइवर और क्लीनर को हल्की चोट आई। हरिद्वार के सीडीओ रहे आईएएस प्रतीक जैन को आज विदाई दी गई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। नैनीताल हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं, कुल 32 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बागेश्वर के कांडा में कालिका मंदिर भूस्खलन की जद में है, लोगों का कहना है कि लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किया। रुड़की में पिरान कलियर साबिर पार्क का सालाना उर्स शुरू हो गया है, मेला क्षेत्र को 4 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया।